हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है अभी, थोड़ा सा खांसी जुकाम सर्दी हो गया है। सेम ही हुआ, खांसी जुकाम भी बोल दी, सर्दी भी बोल दी। तो अभी मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ अभी। मैं इसलिए आप लोग के पास बस थोड़ा सा जो मेरे मन में है बातें वो लेकर आई हूँ, क्योंकि तबीयत ना ठीक रहने की वजह से मैं सुबह से कोई अपना ब्लॉग नहीं शूट की हूँ, कोई ब्लॉग नहीं मेरा शूट हुआ है। बट जिस हिसाब से यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग, महाकाल फैला हुआ है, एकदम से तबाही मचा हुआ है। पूरा पब्लिक उसी के पीछे दौड़ के भाग के जा रहे हैं। तो मैं, आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि भाई उन लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, महान यूट्यूबर हैं। तो बस मैं अपना 2 मिनट अपने मन की बात रखने आई हूँ आप लोग से। आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और मैं नहीं जानती हूँ कौन सही है कौन गलत है, और इतने पॉइंट पे होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। तो बात करना मेरा कोई मतलब अच्छी बात भी नहीं है, है ना। बट मेरे मन में जो एक ही चीज़ खटक रहा है कि यार भोलेपन बन के लोग दिखाते हैं, और भोलेपन चेहरे के अंदर इतना बड़ा बड़ा पाप छुपा हुआ रहता है, बस उस चीज़ को मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। आप लोग को भी पता है, मुझे भी पता है कि मुझे कंट्रोल नहीं होता है कि मैं भोलेपन बन के दिखाऊं और उसके बाद अंदर से कुछ और हूं। तो यही चीज़ मेरे से नहीं होता है, और आप लोग भी इतने दिन से मुझे जान रहे हो तो आप लोग को भी ये चीज़ अच्छे तरीके से पता होगा कि गलत चीज़ मुझे नहीं पसंद है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं किसी के लिए गलत कभी सोची नहीं। गलत वो इंसान सोचता है कि जो कि खुद की भी जैसा जिसका रहता है वो ऐसा ही सोचता है। तो मैं कभी भी नहीं सोची कि ऐसा भी मतलब हो सकता है। मैं हमेशा उस फैमिली को तारीफ की, हमेशा मुझे लगता था कि हे भगवान, मतलब चलो एक तो गॉड का दिया हुआ कष्ट है उनके लाइफ में, बट उनकी फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी संस्कारी है, लैंग्वेज बात करने का तरीका हर चीज़ ऐसा लगता था कि मतलब फैमिली में कोई खोट नहीं है। बट आप ये 10 मिनट की वीडियो देख के किसी को जज नहीं कर सकते हो गाइज, सही में जज नहीं कर सकते हो। मैं तो मतलब सिर में सोच सोच के ऐसे खटक रही है कि मैं आप लोग से क्या ही बोलूं, ऐसे खटक रही है कि मतलब यार ये भोलेपन दिखा के और इतना अंदर से घात करना, एक भाई का रिलेशन बना के, भाई बहन का रिलेशन बनाकर इतना इस पे मतलब, मुझे तो कोई मतलब गलत ही बोल देता है ना, जैसे जिसे मैं भैया मानी और कोई गलत बोल देता है तो मैं साफ एक ही वर्ड बोलती हूँ कि वो भैया है, ठीक है। तो ये जो बात है, इतना पॉइंट में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो ये पॉइंट है सचिन मनीषा और जो नेहा आशीष तिवारी है, दोनों बहुत फेमस यूट्यूबर है। दोनों के बीच में बहुत अच्छा ही बॉन्डिंग था, बहुत अच्छी वाली जो कहा जाता था, बहुत अच्छे वाला था। मैं वीडियो हमेशा देखती हूँ इन दोनों को। जो ये है सचिन मनीषा है वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, और जो नेहा आशीष तिवारी हैं वो भोपाल से बिलोंग करती हैं। तो सचिन मनीषा का वीडियो तो चलो भाई हस्बैंड वाइफ का ब्लॉग है, कभी नोक चोक उनके घर में मतलब हमेशा ये चलते रहता है, आज उससे झगड़ा कल उससे झगड़ा। तो मैं यही सोचती हूँ कि मतलब इन लोग व्यूज की वजह से करते हैं कि आज मतलब उसका ब्लॉग बना लिया, उसका झगड़े का डाल दिया, उसके झगड़े का डाल दिया। बट जो गाइज अभी 2-3 दिन से ये तमाशा फैला है नेहा आशीष तिवारी को लेकर, और फिर भी मैं इस चीज़ को जज नहीं कर पाई कि सच में नेहा आशीष तिवारी गलत होंगी। मैं ऐसे सोची कि चलो होता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ और एकदम से उससे दूर होना पड़े, पर इतना भी गंदा कोई नहीं बोल जाएगा किसी के लिए। लेकिन मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं तो मैं यही सोच रही थी। बट जब आज नेहा आशीष तिवारी के भाई खुद लाइव में आकर बोले हैं, जब जाकर मुझे विश्वास हुआ है। मैं अभी अपने सिस्टर से भी एक मैसेज पे बात कर रही थी, वो बोल रही है दीदी दी क्या लग रहा है, मैं बोली मैं खुद नहीं जज कर पा रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, और मैं नहीं कर पाती हूँ तो सच में गाइज उसके बारे में मैं नहीं बोलती हूँ। तो
जो उनका भाई बोला कि इंसान से गलती होता है, कर गई गलती, तो यार गलती कर गई मानती हूं, तो ये भाई बहन के रिश्ते को मतलब इतना बदनाम क्यों करना? अगर सचिन के लिए नेहा आशीष तिवारी के दिल में कुछ था, पहले चीज तो होना नहीं चाहिए, ठीक है आपकी लाइफ है, आप ऐसे लोग से करो ना कि जो कि आपके साथ लाइफ टाइम चले। गलत नहीं है नेहा आशीष तिवारी का कोई मतलब एज भी नहीं है, 50-60 की हो गई जो कि भाई बुरा काम कर रही है, मैं बुरा नहीं बोलती हूँ, बट इस तरीके के लोग से करना चाहिए ना कि उस मेरे वजह से किसी की घर न खराब हो, किसी का घर बर्बाद ना हो, इस तरीके से होना चाहिए। अगर मैं गलत होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट में मुझे रोक दीजिएगा, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट मुझे ये चीज गलत लग रहा है कि आप एक लेडीज होकर किसी लेडीज का घर उजाड़ रहे हो, आपका खुद का घर उजड़ा हुआ है, और फिर आप उसके मतलब आपके तो हस्बैंड मर गए, मेरे हस्बैंड मर गए, ठीक है मैं अपने पे ही पॉइंट लेती हूँ, मेरे हस्बैंड मर गए, तो मैं किसी और के मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में मैं पड़ जाऊँ, उससे अफेयर चलाने लगूँ, और मतलब उसका जीता जी हस्बैंड छीन लूँ, तो ये कितना अन्याय है, ये तो बहुत ही घोर पाप जो कहा जाता है, घोर पाप है। नेहा आशीष तिवारी जी को देखकर कभी नहीं लगता था कि इस तरीके की हैं, लैंग्वेज भी बहुत अच्छा, ठीक है वीडियो बना रही हैं, अच्छा बड़ा यूट्यूबर है, उनका पूरा फैमिली सपोर्ट करता है उस चीज में, मैं उस फैमिली को हमेशा सैल्यूट की हूँ कि वो फैमिली कितना अच्छा है, बट अब ऐसा लगता है कि आप ये 10-15 मिनट के वीडियो में किसी को भी नहीं जज कर पाएंगे। मैं उनका रिंग सेरेमनी ब्लॉग देखी थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो अच्छी बात है कि अपना वो लाइफ फिर से मतलब एक जिंदगी का शुरुआत दे रही हैं, नया जिंदगी का शुरुआत दे रही हैं, बट इतना बड़ा आग लगा कर ये चीज अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मनीषा एक सीधी सी गांव की लड़की है, बेशक बड़ी यूट्यूबर हो गई है, भाई पैसे हो गए हैं, बट मनीषा के अंदर जो मुझे दिखता है वो छल कपट नहीं दिखता है, एकदम से साथ सीधी गांव की लड़की है, बिल्कुल उस तरीके से रहती है, ससुराल में भी रहती है तो आप लोग ब्लॉग देखते ही हैं, और इसमें मनीष भैया सचिन भैया का भी गलती है, बहुत बड़ा गलती है, आप उसे बहन बहन मान के आप दोनों अंदर से ऐसा काम कर रहे हो, और इतने मतलब आप फेमस इंसान हो, थोड़ा सा आप अपने फेम का लिहाज रख लेते और इस तरीके का आप घटना नहीं करते, और मुझे तो भाई नहीं अच्छा लगा गाइज, मैं इसलिए सोची मैं आप लोग से बातें करूं, और मुझे बहुत अजीब लग रहा है, सबसे ज्यादा अजीब जो लग रहा है नेहा आशीष तिवारी के तरफ सोचकर लग रहा है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप अपने खुशी के लिए किसी का घर उजाड़ रहे हो, इससे गंद कुछ नहीं हो सकता है, और मैं नहीं सोची थी कभी भी आपके बारे में, मुझे ऐसा नहीं लगा था, लेकिन आपका जो काला सच्चाई है पब्लिक के सामने आ गया, और मुझे भी अब आपसे विश्वास उतर गया, मैं बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता था लाइफ में कि हो सकता है अभी मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, बड़ी यूट्यूबर होंगी तो एक बार जरूर मिलूंगी इन लोगों से, बट हम हैं कि हम सामने जो होता है बोल देते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि ऑन कैमरे कुछ और दिखाऊं, पीछे कुछ और दिखाऊं, ऐसा हमारे अंदर नहीं है, जो भी होता है सामने बोलती हूँ और सच बोलती हूँ, कुछ भी मेरा मतलब ब्लॉग में ऐसा नहीं होता है कि फेक होता है, झूठा होता है, कुछ भी नहीं ऐसा होता है, और आपका कितना अच्छा मतलब सारा कुछ था, मैरिज लाइफ भी अब स्टार्ट होता आपका, पता नहीं अब आगे क्या होगा नहीं होगा, तो फैमिली वाला जाने आप जानो, उसके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, बट ये जो आप मनीषा के लाइफ में किए वो बहुत गलत किए, बहुत ही गलत है ये, आपके भैया नहीं बोलते तो शायद मुझे नहीं विश्वास होता कि सच में मतलब ऐसा है, मैं तो यही सोचते रहती कि हो सकता है कि कुछ बदला लेने के लिए ऐसा किया गया है, बट आपके भैया भी बोले कि गलती एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है, लाइव आप लोग देखिएगा गाइज, एक वो बोल रहे हैं खुद अपने सिस्टर के लिए बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो हुआ था तो सचिन के साथ ही क्यों हुआ,
क्यों मनीषा के लाइफ में आप आग लगा रहे हैं? उसके हस्बैंड मतलब बीच में हुआ था ऐसा झगड़ा, लेकिन हम लोग इतना नहीं समझ पाए थे। बस ऐसा लगता है कि कभी कभी इंसान को होता है कि माइंड में कचरा आ जाता है। तो मैं यही सोची थी कि हो सकता है मनीषा को कहीं गलत फहमी, बट इतना गलत फहमी भी नहीं होता है गाइज कि मतलब वो जज ना कर पाए। वो भी बाहर में पढ़ रही है, सब कुछ है, वो भी समथिंग 30 के समथिंग होंगी ही, तो इतना तो उनको भी अकल होगा और कुछ देखी होंगी। जब ही मतलब अब का सीन से तो यही लगता है कि कुछ देखी होंगी, तभी जाकर इतना बड़ा वो मतलब डिसीजन ली थी। इतना गंदा आ गया था दोनों में कि मतलब डिवोर्स के लिए हो गया था कि दोनों डिवोर्स ले लेंगी, और उनके फैमिली वाला सपोर्ट किया उस चीज में, समझौता किया उस चीज में, साथ दिया, तो जाकर अभी दोनों है। बट इतना गंदा, माफ करना अगर मेरे से कोई गलती हुआ तो, बट मुझे जो अच्छा नहीं लगा मैं आप लोग से शेयर की। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करना क्या नेहा आशीष तिवारी ये सही की या गलत की, और कौन सही है कौन गलत है। बट उनका भाई का लाइव आप लोग गाइज एक बार जरूर देखना, वहां पे जाकर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि उनके भाई जब बोल रहे हैं तो इनके बीच कुछ था, तो भाई भी बोल रहे हैं उनके, और प्रूफ तो वो भी दिखा रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड ये वो चलते रहेगा। लेकिन भाई बहन के रिलेशन दोनों इस तरीके से मानकर भांजी का और इस तरीके का काम करना बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही गलत बात है। आप इस ऐसे इंसान के साथ करते कि जिसके लाइफ में कोई नहीं अगर होता तो आप करते, तो कोई गलत नहीं था, बट आप जानते हुए कि भाई इसकी वाइफ है, और मतलब जिस तरीके से मनीषा बोल रही है रो रो के कि मैं उन दोनों के बीच कुछ होने नहीं देती थी, बोलती थी उसके साथ रील्स मत बनाओ, उसके साथ वीडियो मत बनाओ, तो ये चीज तो मतलब मेरे घर में एक घटना हुआ ना, वो मुझे याद आ गया तो इस तरीके का तो गलत है। और बाकी मेरे से कोई गलती होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, माफी मांगती हूँ। बट मेरे मन में जो आया मैं आप लोग से रखी हूँ गाइज। अब आप लोग को बारी, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है, और इसमें गलती दोनों का है, सचिन का भी है और नेहा का भी है। बट मैं ज्यादा गलत अगर बोलूंगी तो नेहा दीदी को बोलूंगी, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बाकी अब आप लोग को बारी, फाइनली बाय बाय, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी।